के 91 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी इस वक्त ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग कर रहे हैं। देखिए जंतर मंतर की भाई, यहाँ पर आपको तमाम कर्मचारी एक दिवसीय धरना देते हुए नजर आएंगे। इन्होंने पेंशन बहाने के लिए ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन यानी कि एक राष्ट्रवादी आंदोलन ये चला रहे हैं, जिसका नाम इन्होंने रखा है नेशनल मेंशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। देख सकते हैं आप यहाँ पे तस्वीरों की, नेशनल मेंशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। इनकी मांग है कि जो पुरानी पेंशन स्कीम थी वो पुरानी पेंशन स्कीम फिर से लागू की जाए, और इसके लिए पूरे भारत में इस तरीके की रैली और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल जंतर मंतर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। तमाम ये कर्मचारी लोग हैं जो सरकारी कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठा हुए, इनसे बातचीत करते हैं। पहले इनके हाथ में एक पोस्टर मैं आपको दिखाऊँ, फाइट फॉर राइट पेंशन इज अ राइट, नो एनपीएस नो यूपीएस, वी वांट ओनली ओल्ड पेंशन स्कीम। अब यहाँ पर आपको सबके हाथों में बुढ़ापे का सहारा ओल्ड पेंशन स्कीम, जो ओल्ड पेंशन स्कीम भारत सरकार की थी उसको लागू करने की मांग यहाँ पर की जा रही है। इनसे ही समझते, क्या नाम है आपका? शेख आकाश, जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से आप लोग पूरे भारत से यहाँ पे इकट्ठा हुए? बिल्कुल, पूरे भारत से हर एक राज्य से यहाँ पे एम्प्लॉयज आए हैं, और एक ही डिमांड है, वी वांट ओपीएस ओनली, ओल्ड पेंशन स्कीम। जी 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 जी, हम चाहते हैं कि ओपीएस बहाल होनी चाहिए किसी भी हाल में। जब तक ना ओपीएस बहाल होगा तब तक हम चैन की सांस नहीं बैठेंगे। क्या कुछ कहेंगे आप? हमारा ऐसा है मैडम, देखो पहले ओपीएस मिलती थी, अभी जो गवर्नमेंट ने एनपीएस की है, गवर्नमेंट ने ये माना है कि एनपीएस कर्मचारियों के बुढ़ापे के लिए सफिशियंट नहीं है, इसलिए उन्होंने उसमें अमेंडमेंट करके यूपीएस लाई है। लेकिन यूपीएस भी कर्मचारियों को मंजूर नहीं है, क्योंकि कर्मचारियों की पूरी जिंदगी की पूंजी उसमें लग जाएगी और उनको पेंशन के नाम पर कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए कर्मचारियों की एक ही मांग है कि हमें ओपीएस ही चाहिए, बुढ़ापे का जो सहारा है हमारी ओपीएस ही चाहिए। हर एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद में जब 60 साल के होता है, काम करने की क्षमता नहीं होती है, उस टाइम के लिए बुढ़ापे के लिए हमें पेंशन ही चाहिए, ओपीएस ही चाहिए। आप देखोगे आज जो रिटायर हो रहे हैं लोग, आप देखोगे किसी की 2000, किसी की 2500, किसी की 1700 रुपये पेंशन मिल रही है, जबकि कई स्टेटों में वृद्ध अवस्था पेंशन 2500 मिल रही है। क्या ये कर्मचारी पूरी साल अपने 35 साल उम्र देने के बाद, पूरा यंगस्टर जीवन अपने सरकार को देने के बाद, हमारे देश निर्माण में हम समय निकाल रहे हैं, लगा रहे हैं, उसके बावजूद सरकार हमें क्या दे रही है 1700-1800 रुपये? तो ये हमारे लिए सफिशियंट नहीं है, ना ही हमारे भविष्य इसमें सुरक्षित है। हम चाहते हैं कि मोदी जी ने जिस तरह से इसमें अमेंडमेंट शुरू किया है, सिर्फ दो ही मांगे हैं कि हमारा 10% जो कटा हुआ है उसको काटना बंद करें, जो अभी तक कटा है उसको हमारे वापस दें, और ओपीएस की तर्ज पर हमें सारे बेनिफिट ओपीएस के दिए जाएँ। और हमें मुमकिन है, हमें पूरी आशा है कि मोदी जी इस हमारी बात को सुनेंगे, हमारे दर्द को समझेंगे, और यूपीएस जिस तरह से अमेंडमेंट किया है, जल्दी अमेंडमेंट इसमें लगता है इस शीतकालीन सत्र में हमारे लिए पेश होगा, हमें मोदी जी से यह आशा है। कि मैं आपको एक बार समझा दूं, ये जो आप यहाँ पर पोस्टर देख रहे हैं, नो एनपीएस और यूपीएस, ओनली ओपीएस। एनपीएस हो गया न्यू पेंशन स्कीम जो तमाम कर्मचारियों के लिए लाया गया था, और यूपीएस हो गया यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और यहाँ जो कर्मचारी हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि इन्हें पहले एनपीएस को ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को चेंज करके एनपीएस लाया गया था, नया पेंशन स्कीम, और उसके बाद जब यहाँ पर इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ तो यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लाया गया। लेकिन अब यहाँ पर कर्मचारी जो है वो चाहते हैं कि जो पुराना पेंशन स्कीम था, जिसके तर्ज पर रिटायरमेंट के बाद जो एक सैलरी की मुश्त कीमत आपको पेंशन के तौर पर मिलती थी, वही वापस से लागू किया जाए, और जो 10% काटा भी जा रहा है, जो बाद में सैलरी का ही हिस्सा काट करके आपको पेंशन के तौर पर, आप जब रिटायर हो जाते हैं 60 साल की जो उम्र रखी गई है उसके बाद जो दी जाती है वो काटना बंद किया जाए, और पुराना जो नियम था जिस तरीके से 55% और 45% मम सैलरियों के हिसाब से पेंशन दिया जाता था वो लागू किया जाए। क्या कहेंगे आप? जी हम लोगों को सिर्फ, मैडम हम लोग सिर्फ जो है ओपीएस पेंशन के लिए यहाँ एकत्रित हुए, और हम लोगों का एक ही नारा है कि हम लोगों को ओपीएस ही चाहिए, ओपीएस से नीचे कोई भी मंजूर नहीं। जब ओपीएस में सरकार छलावा कर रही है हम लोगों के साथ, कभी एनपीएस देके तो कभी यूपीएस देके, ये तो हम लोगों एनपीएस से भी ज्यादा खतरनाक यूपीएस, हम लोगों का एक ही नारा है कि हम लोगों को सिर्फ ओपीएस ही है। अच्छा, किसी सरकारी कर्म किसी सरकारी पदाधिकारी से आप लोगों की कोई बात या कोई नेता से कोई बातचीत हुई है? नहीं, किसी से कोई बात नहीं, आप लोगों ने किसी से बात करनी? नहीं नहीं, ये बात हमारी संसद में उठी है, राज्यों की विधानसभाओं में जनप्रतिनिधियों ने उठाया है कि कर्मचारियों को ओपीएस दिया जाए, लेकिन सरकार ने यूपीएस देके छलावा किया है, और सरकारी कर्मचारी पूरे देश का सरकारी कर्मचारी आज़ादी के बाद आज भी अपने आप को इस आज़ाद देश में गुलाम समझ रहा है। आगे क्या आप लोगों का इरादा है? जैसे आज आप लोगों ने यहाँ पर रैली भी की और एक दिवसीय बैठक है, उसके बाद क्या प्लान है? देखिए हमारा ये समय समय पर चल रहा है, राज्य स्तर से करते हुए हम लोग आ रहे हैं आज दिल्ली में जंतर मंतर पर, हम दिल्ली की संसद को बताना चाहते हैं, इसके बाद अगर हमारे बातों विचार नहीं होगा तो हम फिर एक गहन मंत्रणा करके इस आंदोलन को और बृहद रूप देंगे हम लोग। एक बार ना पुराना, मैं आपके वापस आती हूँ, एक बार मैं जरा पीछे जो पोस्टर लगा है
उस पर नज़र डाल दूँ आपकी। नेशनल पेंशन, नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, आप देख सकते हैं पेंशन जय घोष महारैली 17 नवंबर का समय है और यहाँ पर मांग भी जो है वो वहाँ पर जाहिर की गई है, कर्मचारी अंशदान पर GPF की सुविधा दी जाए। दूसरा है महंगाई के साथ अंतिम वेतन के 50% के बराबर, यानी कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम में 45 से 50% दी जाती थी सैलरी, जो जिसकी सैलरी होती थी उसके 50% आपको बाद में पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम में दी जाती थी। और तीसरी है कि पेंशन की गारंटी 25 की जगह केवल 20 साल के सेवल पर के, ठीक है। तो ये देखिए तीन जो बड़ी मुख्य मांगे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता था, मैं पहले आपको एक बार ये बता दूं कि ओल्ड पेंशन स्कीम में जो सैलरी होती थी उसका 50%, जो जिसकी सैलरी होती थी उस हिसाब से आपको आपका रिटायरमेंट के बाद जब तक आप हैं जीवित हैं तब तक दिया जाता था, और बाद में जिसकी जॉब है उनकी वाइफ या बेटर हाफ को भी ये सैलरी दी जाती थी। लेकिन उसके बाद नया पेंशन स्कीम भारत सरकार की तरफ लाई गई जिसमें आपकी सैलरी का एक मुश्त आपकी उम्र भर में काटा जाएगा और उसी सैलरी को बाद में आपको दिया जाएगा, जिसके बाद इसका विरोध के बाद एक UPS भी लाया गया। हालांकि अभी तमाम चीज़ों के विरोध हो रही है और यहाँ पर जो लोग मांग कर रहे हैं, आप बताइए क्या कह रहे थे। मेरा एक, हम लोगों का समस्त जितने राज्य कर्मचारी हैं उनका एक ही मकसद है कि OPS को बहाल करा जाए। उसकी वजह है सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि पेंशन ही हमारे बुढ़ापे का सहारा है। हम जिस एज में जाकर के नौकरी पे लगते हैं और उस एज में जाकर के कम से कम 60 साल में जाकर रिटायर होते हैं, कम से कम 30-35 साल हम लोग विभाग को देते हैं। तो कर्मचारी कहीं कुछ बिना तो बिजनेस करने के लायक रहता है, ना ही कहीं मतलब श्रम सेवा के लायक रहता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों को भी सहारा चाहिए होता है कि हमारे घर से कुछ अगर होता है तो ये एक बच्चों का बुढ़ापों का सहारा होता है ये हमारा। अब दूसरी बात मैडम, सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे बात एक समझ में नहीं आती कि माननीय साहब जो माननीय हैं हमारे, माननीय विधायक जी बन गए तो उनको पेंशन बहाल हो गई, वही विधायक जी सांसद जी बन गए तो उनको डबल पेंशन बहाल हो गई, वही विधायक जी माननीय मंत्री जी बन गए तो उनको भी पेंशन मिल गई। तो अगर ये चीज़ उनकी समझ में नहीं आती है कि हम लोग 30-35 साल नौकरी करने के बाद, वो मात्र 5 साल की सेवा करने के बाद पेंशन के लिए अपने आप को लायबल समझते हैं, और हम कर्मचारी जो बुढ़ापे की स्थिति में आ जाते हैं तो हम किसी के लायक नहीं रहते हैं। देखिए ये एक बड़ी बात निकल कर भी सामने है, इनका कहना है कि हम जो 30-35 साल लगातार सेवा दे रहे हैं लोगों को या फिर जो अपना काम कर रहे हैं उसके बाद हमें पेंशन नहीं दी जाती, जबकि कोई भी जैसे नेता या पॉलिटिकल सेक्शन की मैं बात करूँ तो नेता विधायक मंत्री बनने के बाद आपको ताउम्र पेंशन दी जाती है, और अगर आप बार बार बढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से आपकी पेंशन डबल ट्रिपल हो जाती है। तो ये भी कहना है कि अगर उनको उम्र भर पेंशन मिलती है और कई बार मिलती है तो हमें हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम वापस क्यों नहीं किया जा रहा है। एक बार मैं आपको इधर के पोस्टर्स भी दिखा दूं, देखिए 17 नवंबर आज की बात है, पेंशन जय घोष महारैली। और एक और जो चीज़ है वो 91 लाख कर्मचारी पूरे भारतवर्ष में हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं, और इस फेडरेशन में केवल जो फेडरेशन बनाए गए हैं INPSEF इसमें 5 लाख से ज़्यादा मेंबर जुड़े हैं, और आज पूरे भारत से लोग जो हैं यहाँ जंतर मंतर और अलग अलग जगहों पर एकत्रित होकर इसी तरीके से पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग कर रहे हैं। पेंशन स्कीम के तर्ज पर यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी और तमाम नेताओं को इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए और इस पर विचार विमर्श करने के लिए यहाँ पर ये लोग इकट्ठा हुए, और ये भी कहना है कि अगर इस पर आगे बातचीत नहीं होती तो आगे हम फिर से मंत्रणा करेंगे और तय करेंगे कि हम आगे इस पर क्या फैसला लेना है, क्या रैली करनी है या फिर से इस तरीके से बैठक ही करनी है। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ मैं मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज दिल्ली। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम। Thank you.